मैं मुजम्मिल हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा असली और नकली केसर को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। ये बाज़ार का लाया हुआ केसर है और ये हमारा इम्पोर्ट किया हुआ अफ़गानिस्तान का केसर है। आज सबसे पहला पहचान है कि एक तरफ से वो मोटा होगा, एक तरफ से पतला होगा। जिधर से वो निकलता है रूट, जड़ के तरफ से वो पतला रहता है, ऊपर आते 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 वो मोटा हो जाता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दुकान वाला है, मैंने ब्रांड इसकी हटा दी है, ये किस ब्रांड का वो हम शो नहीं करेंगे। एक तरफ मोटा होना चाहिए, एक तरफ पतला होना चाहिए। ये बाज़ार से जो हमने लाया है ये वो वाला है, ठीक है। मैं आपको अब दिखाता हूँ इंपोर्ट किया हुआ जो अफ़गानिस्तान से आया है। ये एक तरफ से मोटा है, एक तरफ से पतला है, ये देख लीजिए जितना है सारा, ठीक है। चलिए अब हम आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये अफ़गानी है इम्पोर्ट किया हुआ और ये आपका जो मार्केट में बिक रहा है वो है, ये देखिए। आइए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट पानी में डालकर। ये हमारा अफ़गानी है, ठीक है। जो जित अच्छा जो रहेगा वो उसको घुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग अपना अफ़गानी वाला डाल करके हम लोग दिखाते हैं। आप कोई भी बॉल ले सकते हैं या ग्लास ले सकते हैं, उसमें आप पानी डाल दीजिए। ये देखिए, ये हमारा अफ़गानी है इम्पोर्ट किया हुआ, डायरेक्ट हम मंगाते हैं अफ़गानिस्तान से। आइए हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए, हमने इसमें लिया थोड़ा सा, इसमें डाल दिया। ये देखिए, इसको घुलने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये येलो होना स्टार्ट हो गया। अब हम इसको देते हैं। ये देखिए, वो डालते के साथ कितना ज़्यादा कलर छोड़ने लगा, आप देख लीजिए। मेरे को घोलने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा और दोनों का कलर देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। एकदम लग रहा है जैसे कि हल्दी वल्दी या कुछ कलर मिलाया हुआ है। ये देखिए, देखिए कितना जल्दी वो कलर छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। हम इसमें ज़्यादा भी डाल के दिखा देते हैं आपको, ज़्यादा डालने के बाद भी वो कलर उतना नहीं छोड़ेगा। ये देखिए, ये अभी भी घुल रहा है और ये घुल के बैठ गया, ठीक है। अब हम इसे दूसरे बॉल में डालेंगे। इसे हम पहले साइड कर लेते हैं, रुक जाइए, पानी पहले हम ले लेते हैं। देखिए, अब हम दोबारा पानी ले रहे हैं दूसरे वाले बॉल में, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं दोनों को चेक करके। अब हम ये वाला को जो नॉर्मल बाज़ार में मिलता है, जो डुप्लीकेट होता है लोकल मार्केट में, लोगों को जिनको पता नहीं है वो ले लेते हैं उनके लिए, ये देख लीजिए। चलिए अब हम मिक्स करते हैं दोनों को। ये देखिए, इसमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें देखते हैं, ये देखिए बिल्कुल भी कलर नहीं आ रहा है, साफ आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, आपको साफ कलर डिफरेंस समझ में आएगा। इसका और इसका कलर आप देख लीजिए कैसा है, ठीक है। जो लोकल मार्केट में मिलता है, जिन्हें लोकल मालूम नहीं है किसी को, वो कुछ भी उठा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, दोनों में बराबर कलर आया। अब हम इसे तीसरा चौथा बॉल में भी हम लोग डाल करके चेक करेंगे। चलिए अब हम तीसरे बॉल में पानी डालकर चेक करते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें डालते हैं तीसरे बॉल पर। लोग मार्केट से ख़रीद भी रहे हैं, उन्हें मालूम भी नहीं है कि वो चीज़ असली ले रहे हैं या डुप्लीकेट ले रहे हैं। मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, लोग पैसा भी दे रहे हैं और सामान भी डुप्लीकेट ले रहे हैं। कम से कम आप जेन्युइन देख के लीजिए, कोई भी लीजिए, लेकिन आप एक बार जेन्युइन उसको चेक कर लीजिए ख़रीदने के बाद आपको। अब हम इसमें भी थर्ड बॉल में इसको हम पूरा घुला के देखते हैं। आप साफ देख सकते हैं कि सब में कलर आ रहा है। चलिए एक अटेम्प्ट उसका भी लेते हैं, वो इसके बाद वाले में वो कलर देता है या नहीं। ये देखिए, मैं इसको घुला के देख देता हूँ एक बार और। चलिए अब हम इसको भी पूरे घोल के देख लेते हैं ये क्या कलर आता है। देख लीजिए, आप साफ देख सकते हैं कुछ भी असर नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी ख़त्म हो गया।
सेकंड बॉल पे ही हमें पता चल गया था कि वो डुप्लीकेट है। ये देखिए इसमें अभी भी कलर आ रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए आप डिफरेंस। अब हम इसे और दूसरे बॉल में चेक करते हैं, ठीक है, इसे हम पीछे कर लेते हैं। ये देखिए हमने अभी चौथा बॉल में डाला है, ये कलर आना स्टार्ट हो रहा है। ये देख लीजिए ये चौथे बॉल में भी उतना ही कलर आया है जितने सारे में आया है, आप साफ देख सकते हैं। ये देख लीजिए, और ये आपका ऑर्डिनरी वाला, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इसका कलर कैसे छूट गया। ये आप देखिए ये पूरा वाइट वाइट टाइप का होते जा रहा है, इसका जो कलर होना चाहिए ओरिजिनल वो देखिए वो नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में नहीं आएगा, ये देखिए कैमरा में वैसे नहीं आ रहा है, आप अपने आँखों से देख सकते हैं, ये लग रहा है जैसे कि कलर किया हुआ था, अब वो कलर हट गया तो वो पूरा वाइट वाइट टाइप हो गया। ये देख लीजिए आप। चलिए अब हम इस ब्रांड का अफ़गानी का क्वालिटी दिखाने के लिए हम आपको एक बॉल और दिखाते हैं, एक बॉल में डालकर। ये देख लीजिए अभी भी ओरिजिनल के जैसा ये पूरा इसका डंटी है, और आप देख लीजिए कि आप ओरिजिनल चीज़ ले रहे हैं, आप खा रहे हैं तो ओरिजिनल ले रहे हैं या डुप्लीकेट ले रहे हैं, वो आपको फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। ये देख लीजिए आप डिफरेंस, क्वालिटी देख लीजिए, सब कुछ आपको साफ आपके सामने, कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अभी हम और दूसरे बॉल में डालेंगे तो और एक दो बॉल तक ये कलर आएगा। अब क्वालिटी देख लीजिए, चीज़ देख लीजिए, आप सेम प्राइस पे ख़रीद रहे हैं और फिर भी आप डुप्लीकेट ले रहे हैं, मार्केट में कितना ज़्यादा डुप्लीकेसी है, पैसा लगा करके भी आप खुद पे नुकसान ही ले रहे हैं। इतना तो है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है, आप लोग में से किसी को भी ये प्रोडक्ट चाहिए होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मेरा यही नंबर है। आप सामने देख सकते हैं कलर, ये पहला वाला कलर है जिसमें हमने डाला था, ये उसके बाद ये थर्ड वाला, ये सेकेंड तक आते ही ख़त्म हो गया था, ये लास्ट इसमें बचा हुआ है, वो देख लीजिए सब में बराबर कलर है, सेम कलर है सब में। इसमें देख लीजिए कलर डिफरेंस कितना, ये साफ आपको पता चल रहा है कि ये फूड कलर है, ये आपके लिए कितना हार्मफुल है। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से यूज़ करें तो उसको ज़रूर चेक करें वो ओरिजिनल या डुप्लीकेट, उसकी क्वालिटी क्या है। बाकी रहा क्वालिटी का बात, तो आप कोई भी ज़ाफ़रान ला करके, कोई भी केसर ला करके आप चेक कर सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ सीरीज़ तक वो कलर आ रहा है उसमें, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ कितना उसका क्वालिटी है, कितनी अच्छी चीज़ है वो। अभी ये हम इसको दूसरे बॉल में भी अगर निकाल के डालेंगे तो भी कलर आएगा ये।